टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर हीरो सफलता को बांटो। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबक स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कोरोना संक्रमित पुरुष भारत के कलकत्ता शहर से आयल मुख्य प्रसंग से। नवलप्रासी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल 49 वर्षक पुरुष भारत के कलकत्ता से आयल खुलासा भेल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय नवलप्रासिक अनुसार संक्रमित पुरुष बैसाख 30 गते रक्सौल धरि ट्रक में आयल छल। तहिना रक्सौल से नवलप्रासी धरि दोसर ट्रक में आयल आ भरतपुर धरि सामान लेब रक्सौल पुगल ट्रक में। एकादिश पुरुष बैसाख 30 गते रात भरतपुर के कोरोना विशेष अस्पताल में भर्ना भेल छल। कोरोना विशेष अस्पताल भरतपुरक प्रयोगशाला में कैल गेल परीक्षण में हुनकर संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय किछु देर पहिने आगा विज्ञप्ति निकाल कर जानकारी करौने छथि। नेपाल में अखन धरि 22,664 गोटे के PCR विधि से कोरोना परीक्षण भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देव कोटा पिछला समय PCR विधि से केने परीक्षण दर के बढ़ेने जानकारी सेहो करौलन। अहिना ओ रैपिड विधि से 62,327 गोटे के परीक्षण भेल जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन मात्र 3 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल आ ओ सबके इलाज शुरू कैल गेल जानकारी दैत हुनकर अनुसार अखन धरि नेपाल में 246 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। जाय में 198 गोटे पुरुष आ 48 गोटे महिला छथि। 35 गोटे निक भक घर सेहो गेल। प्रवक्ता देव कोटा के कहब रहल छल ओ क्वारंटाइन में 15,600 गोटे आ 272 गोटे आइसोलेशन कक्ष में रहल जिक्र केने छथि। RDT दुबई विधिबाट परीक्षण गरिरहेका छौं। हालसम्म PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 22,664 पुगेको छ, जसमध्ये आज 1,363 परीक्षणहरू भएको छन्। त्यसै गरी आजै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 अन्तर्गत पर्ने विभिन्न फलफुलका र तरकारीका बजार समितिका हाताहरू, विभिन्न व्यवसायीहरू, ढुवानीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सरसफाई गर्ने व्यक्तिहरू लाई केन्द्रित गरी 300 बढीको PCR र 700 बढीको RDT गर्ने लक्ष्य सहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा र नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीहरू सो स्थानमा परिचालन भएको छ र संक्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज 3 काठमाडौँका 32 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तुका 6 वर्षीय महिला को राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, त्यसै गरी नवलपरासी पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषको भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संक्रमितको संख्या 246 पुगेको छ, जसमध्ये 198 पुरुष रहनुभएको छ भने 48 महिलाहरू हुनुहुन्छ। 35 निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। संक्रमितहरू विभिन्न प्रदेश र जिल्लाका हुनुहुन्छ। यहाँलाई जानकारी गराउँदा प्रदेश नम्बर 1 3 जिल्लाहरू, प्रदेश नम्बर 2 7 जिल्ला, बागमती प्रदेशका 4 जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 5 जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 जिल्ला गरी कुल 22 जिल्लामा संक्रमितहरू उक्त जिल्लाका संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। अहिना अखन 359 गोटे रेड जोन में रहल मन्त्रालय जानकारी देने छथि। सर्वोच्च अदालत COVID-19 महामारी नियन्त्रण क आम नागरिक के जीवन रक्षा करबाक लेल तत्काल PCR परीक्षण के दायरा बढ़ाव सरकार के आदेश देलक अछि। न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास PCR परीक्षण के दायरा बढ़ाव आ वही के अभाव होब नहीं देव कहल गेल अछि।
अधिवक्ता कमल बहादुर खत्री सहित दायर केने रिट निवेदन ऊपर बृहस्पति दिन सुनवाई करैत अदालत सरकारक नाम में कारण देखाओ आदेश जारी केलक। कोविड 19 संग संबंधित रिट ल क गेल निवेदनक अंतरिम आदेश के मांग केलो पर अदालत विपक्ष के 15 दिन भीतर लिखित जवाब सहित उपस्थिति होब कहल गेलै। टुडे समाचार में छोट छिन व्यवसायिक विश्राम। यस डायरी में मेरा सभी मीठा यादहरु छन्। मेरो हाथ में यही फेवरेट बैट थियो जब मैले पहिलो पटक इंटरनेशनल सेंचुरी बनाए। यही बॉल ले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो मैन अफ द मैच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचीभमेन्टमा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेवरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिडौ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा, ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार, बसौ न बसौ। अनि वहा चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आयो। ए ए ए, कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए, नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट, ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवन को हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकर ले दिन्छ सुपर कम्फर्ट को आवाज। टीवीएस स्ट्राइकर ले दिन्छ 65 किलोमीटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टीवीएस स्ट्राइकर को सुपर स्टाइल ले सारा संसार को आँखा हुन्छ म माथि नै। टीवीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर, आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया। अब कोनो दुकान में कार्ड लग का पैसा तिरु, अब ब्याज से हो कमाओ, छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिवसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरु देखि है त साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्याप्पी टु कीप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँसँगै। छोटछिन व्यवसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत है साहब। बाँकीके समाचार। अर्थविद सब रोजगारी में लगानी बढ़ावा जेहन बजट लाव सरकार के सुझाव देना साथ सिंह दरबार में बृहस्पति दिन बैसल सांसद के अर्थ समिति बैसार में ओ सब आगामी बजट में खर्च कटौती कर रोजगारी में लगानी बढ़ावा सरकार के सुझाव दिलाए थे। अहिना
ओ सब उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी बढ़ावो से सुझाव देने साथ बैसार में अर्थविद चंद्रमणि अधिकारी रोजगारी सृजना कर कृषि के व्यवसायीकरण करबावक लेल विकल्प नहीं रहल बताने साथ लॉकडाउन होब अगावे संकेत भेलो पर सरकार ऐ के तैयारी नहीं केने कारण अर्थतंत्र में समस्या देखल गेल हुनकर कहब रहल छल। अर्थविद डॉक्टर शंकर शर्मा प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ाब पर धारणा रखने छलथ। राहत आ रोजगारी कार्यक्रम के बजट प्राथमिकता में राख पर हुनकर कहब रहल छल। त अर्थविद विश्वम्भर फ्याकुरेले पर्यटन क्षेत्र मेघा सिटी लगायत कार्यक्रम सबके अय बेर निरंतरता देव जिकिर केने छथि। प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट भएन, सरकार को खर्च भएन, पीपुल ने कंजम्पशन करेन भने हाम्रो जीडीपी भएन। त्यही त हो, जीडीपी भने त त्यही हो हैन, कम्पोजिसन त त्यसैबाट आउने हो। त्यसकारण त्यसमा अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब धेरै कुराहरू पहिला आइसक्या हुनाले अलिकति मैले यो हामी त अहिले के भयो भने सुरुमा हामीलाई मालमा हामीलाई नोकडाउन गर्यो, यसले मालमा नोकडाउन गर्यो टक्क है। म चिनबाट सुरु भएको छु है भन्यो। त्यस 2 लाखलाई रोजगारी दिनु भने त 2 लाख परिवारलाई पनि त सहयोग होइन, होइन अझ बढी ल्याउन सके राम्रो। तर कानुन पछि अलिकति सुरुदेखि नै डे वानदेखि नै त्यसलाई अलिकति जोड गर्नु पऱ्यो। मेरो चाहिँ यो दुईवटा राहत र रोजगारी कार्यक्रममा यो दुईवटा चाहिँ फ्ल्यागसिपको रूपमा अगाडि आउनै पर्छ। अब फेरि म नागरिककै कुरामा जान्छु। नागरिकले त अब टुरिज्म सेक्टरमा पनि कुनै कति 2-3 लाख रोजगारी हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै कृषि, अब कृषिको के अरे कृषि प्रधान अब भिजिट नेपाल यो भनेर इन्टरनेसनल मिटिङ गर्ने, कन्फरेन्सेस गर्ने, त्यसपछि मेगा सिटी बनाउने, स्मार्ट सिटीको फिजिबिलिटीको छुट्याएको पैसा, अनि त्यसपछि के अरे मेगा सिटी स्मार्ट सिटी के अरे मोनोरेल के रेल भनेर सबै टिपेको त अहिले मैले यहाँ दिल्लीजीले बोलुन्जेलमा टिपेको 99.7 चाहिँ नि के अरे करोड 70। छलफल में अर्थविद डॉक्टर दिल्ली राज खनाल अर्थतंत्र के चलायमान बनाव खर्च में आधारित बजट प्रणालीकरण के नतीजा में आधारित बनाव तथा विभिन्न प्रकारक बोर्ड सभक खारेज कर खर्च कम बनाव जिक्र केने छथि। भरतपुर में संक्रमण पुष्टि भेल संगे प्रहरी दुबाकोट आ शंखधर चौक आसपास के क्षेत्र के सील केलक। कोरोना संक्रमित महिला रहल शंखधर चौक स्थित बस्ती में प्रहरी सील केने छथि। थिमी नगर पालिका सूचना जारी करैत बृहस्पति दिन नगर के सील केने अत्यावश्यक सामान खरीदक लेल मात्र बाहर निकल उल्लेख कयल गेल अछि। भरतपुर के सुंदर चौक से शंखधर चौक धरि आदमी सब के भीड़ दूर में रोक सेहो लागल अछि। व्यस्त टोरे समाचार अभी के लेल एतबा, पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित हो बेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगसी। देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।